तो फिर हेलो एंड वेलकम टू गाइस माय यूट्यूब चैनल अमित व्लॉग में आप सबका स्वागत है और एक नए वीडियो में भी। तो फिर भोरमदेव और मड़ाव महल दर्शन करने के बाद अपन निकल चुके हैं अब सीधा सरोदा डैम की ओर। तो आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और ज़बरदस्त हूँ। तो आप सबको अपन ले जा रहे हैं अब सीधा सरोदा डैम का दर्शन कराने, यानी कि घूमने फिरने का जो वहाँ स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट सब दिखाने के लिए। मैं बहुत सारी वीडियो में देखा होगा बट मेरा वीडियो कुछ हटके होने वाला है। और अभी अपन सरोदा डैम से ज़्यादा दूर में नहीं है, जस्ट पहुँचने वाले हैं। ये आपका लोकेशन है, देख सकते हैं जिधर से जाने का रास्ता है, मैंने तो पूरा प्रॉपर आपको बता दिए हैं। तो ये पहुंच चुके हैं अपन जस्ट सरोदा डैम की ओर। और एक्चुअली मेरा मोबाइल का फॉल्ट है, इसकी वजह से मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। जितना छोटा बहुत रिकॉर्ड हुआ है उसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आई होप अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो फिर अगर सरोदा डैम की जानकारी की बात किया जाए तो मैं आप सबको बता दूँ, सरोदा बांध 1963 में बना है और इसका कुल क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 409.30 हेक्टेयर है। अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक जिस उतली नाला से इस बांध में पानी भरता है, उसके बहाव से मिट्टी, बारीक पत्थर वगैरह सब आते हैं, जिसके वजह से अभी ये बांध है जो पटने की कगार पे है। और लगातार सिलाटा जमा होने के कारण भी इसमें मतलब पटने का जो आश है वो ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसा कहा जाता है। मुझे भी उतना नॉलेज है नहीं। और जस्ट बांध के नीचे में आपको एक बड़ा सा पार्क देखने को मिल जाता है जो काफ़ी आकर्षक है और जो आगे आपको वीडियो में दिखेगा। और बांध की बात किया जाए तो भाई बहुत ज़बरदस्त बांध है, एकदम ही मतलब एकदम अलग ही लेवल का। आपको अगर सुकून का कोई पल चाहिए या फिर एकदम शांत वातावरण चाहिए तो इससे बढ़िया जगह कोई नहीं मिलेगा। यहाँ एकदम ही बड़ा स्पॉट तो नहीं है घूमने लायक, बट है, बहुत सही है, आप घूम सकते हो। और ये देख सकते हैं अपन अब पहुँच चुके हैं गार्डन की ओर। और गार्डन की बात किया जाए तो फिर जो गार्डन है वो काफ़ी अच्छा बना है और फ़ोटो शूट के लिए बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है यहाँ पे। और अपन पहुँचे थे यहाँ पे करीब 1 से 1.5 बजे करीब, तो उसके हिसाब से हम लोगों को वहाँ पे उतनी पब्लिक देखने को नहीं मिली, धूप का समय था इसके वजह से। और पब्लिक तो उतना कुछ था नहीं वहाँ पे, क्योंकि आप सबको पता ही है कि इस टाइम जो चल रहा था वो था भोरमदेव महोत्सव, तो वहाँ का जो भीड़ है वहाँ ज़्यादा था, यहाँ पे उतना ज़्यादा भीड़ नहीं था। और एक्चुअल में बात किया जाए ना तो जो छुट्टियाँ के टाइम होते हैं उस टाइम लोग यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अभी तो उतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, हम लोग भी गए थे तो उस टाइम उतनी पब्लिक नहीं थी, कम थी थोड़ी। और मैं आपको पूरा गार्डन का जो एरिया है वो बिल्कुल दिखा देता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त गार्डन है, बहुत बड़े जगह पर बनाया है। अगर आप यहाँ पर आते हो तो बिल्कुल ऊपर में बढ़िया फ़ोटो शूट कर सकते हो, गार्डन में भी फ़ोटो शूट कर सकते हो। मतलब लोकेशन का बात किया जाए तो एकदम जहाज और एकदम अलग ही लेवल का लोकेशन है। अगर आप फ़ोटो शूट के शौकीन हो तो बिल्कुल आ सकते हो यार, कि गार्डन में अगर आपको फ़ोटो शूट कराने हैं या फिर ऊपर अगर आपको शूट वूट वगैरह कराना है तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इस टाइम पे ना आए दोपहर के टाइम, तो इस टाइम अगर आओगे ना तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मैं भी आया हूँ तो दोपहर के टाइम इतना धूप हो जाता है तो घूम नहीं पाओगे आप। सुबह के टाइम बिल्कुल आइए, सुबह और शाम के टाइम, ज़्यादा भी नहीं क्योंकि ये आउट एरिया में पड़ जाता है, इसकी वजह से उतना सही नहीं होगा मेरे हिसाब से ना ज़्यादा समय के बाद आना। तो वही मतलब समथिंग 6 बजे से पहले और सुबह 7 से 11 तक, उसके बाद धूप हो जाता है और शाम को लोकेशन एकदम आउट एरिया में है ना। तो और अपन जब उस टाइम आए थे जब अपने पूरा पिकनिक के साथ में आए थे तो यहाँ पे आना नहीं हुआ था हमारा, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। भोरमदेव में अपने को करीब 6 बज चुका था, तो जो हमारे जो भैया गए थे बस वाले, उन्होंने भी बोला कि रात के समय वहाँ जाना बेकार है, अब कुछ देखने को मिलेगा नहीं, रिक्शी है ऐसे वैसे करके। तो अपन नहीं आए थे, वो मेरा फर्स्ट टाइम आना हो रहा है, मज़ेदार है, जैसा भी अच्छा है, मस्त है। और मैं आपको बिल्कुल, आप इंजॉय कीजिए गार्डन का सफ़र को अगर। और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा तो मैं खींच नहीं पाया, क्योंकि एक्चुअल में मैं बता दूं यार कि मेरे मोबाइल की वजह से मैं उतना ज़्यादा कुछ शूट हो नहीं पाया, मेरे को बहुत अखरा इतना दूर जाने के बाद। और एक फव्वारा है शायद तक, और मैं वही बता रहा हूँ ना कि लाइफ में मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ कि मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ है मोबाइल की वजह से। और वैसे धोखा नहीं दिया था, लेकिन ऐसा कुछ मेरे को पता भी नहीं था मेरा वन प्लस में ऐसा कुछ होता है या फिर ऐसा हुआ है मेरे साथ, फर्स्ट टाइम था।
कि मेरे को पता नहीं था, आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है कि मोबाइल हीट हुआ, बंद हो गया, अपने आप चलना या काम करना बंद कर दिया इसके वजह से, नहीं तो मैं और कवर करने की कोशिश कर ही रहता। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो में ऐसा कुछ तो है नहीं वैसे देख, लेकिन फिर भी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और चलते फिर आगे आपको मैं दिखाता हूँ। और हाँ, पीछे कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही होगी तो उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि ये जो वॉइस ओवर है मैं उसको अलग से किया हूँ, क्योंकि उस टाइम तो मेरा ना पूरा बता रहा हूँ ना मोबाइल की वजह से बहुत तकलीफ़ में था मैं, तो इसी वजह से वॉइस ओवर मैं डबल किया हूँ। और ये है कुछ लोकेशन का एरिया, और मतलब कि गार्डन का एरिया, मिस्टेक एंड बड़ी मिस्टेक हो गई। तो ये इस तरफ देख सकते हो बड़ा बड़ा सा गार्डन का एरिया देखने को मिल जाता है। और मैं आप सबको बता दूँ कि अपन ना उस टाइम भी आने वाले थे, बट उस टाइम में नहीं आना हुआ, और अभी जब आए तो अभी भी खाली पीली है। आप देख सकते हो कि अभी बज रहा होगा करीब 1:30 समथिंग, और अभी आपको गार्डन में कोई पब्लिक नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और धूप भी बहुत तेज़ था, मेरे हालात से पता चल ही रहा होगा आपको कि बहुत ज़्यादा धूप था। और गार्डन बहुत ज़बरदस्त बना है यार, बहुत ज़बरदस्त बना है गार्डन, लेकिन वही है, बहुत आउट एरिया में पड़ जाता है। अगर आप शाम के टाइम आते हो या फिर सुबह के टाइम आते हो ना, सुबह 7 से लेकर के 11 बजे तक, तो आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। उसके बाद आओगे तो हालत ख़राब हो जाएगा धूप में इसी वजह से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। तो फिर जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़। मैं तारी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर बाय, टेक केयर, टाटा, सी यू एंड बाय।